और चलिए बात करते हैं रावत सर की। एक तरफ जहां कोविड-19 संक्रमण को रोकने में सभी सामाजिक संगठन सरकार के दोनों हाथ खोलकर मदद कर रहे हैं, तो वहीं चिकित्सा विभाग की लापरवाही के चलते रावत सर के राजकीय चिकित्सालय में बामासा द्वारा लगाई गई सैनिटाइजर टनल मशीन महज 100 पीस बनकर रह गई है। मशीन में पहले दिन विभाग द्वारा सोडियम हाइपोक्लोराइट भरा गया था, जिसके चलते लोगों के कपड़े खराब हो गए थे और जिसे खाली कर लाइजोल भरा जाना था, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते टनल में पानी तक नहीं है। ऐसे में स्थानीय लोगों द्वारा शिकायत पर भाजपा से पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोती ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लेते हुए स्थानीय प्रशासन व सरकार को आड़े हाथों लिया। मोती ने कहा कि मैंने मिन्नतें करके बामासा को राजी किया था यहाँ पर यह टनल मशीन देने के लिए, लेकिन इसका यहाँ पर उपयोग नहीं हो रहा है, जो कि अत्यंत हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और हनुमानगढ़ जिले के बाद रावसर हॉस्पिटल है, जहाँ मतलब 1000 से लेकर के 500 तक की ओपीडी होती है। पर ऐसी परिस्थिति में यहाँ से डॉक्टर लगाना हटाना करना ये सीएमएचओ गलत खेल खेल रहा है और ये कुछ जनता के हितैषी की बात नहीं है। तो ये ट्रमल सेंटर की बात है, जो लगाया हुआ था भामाशाल लगाया था और मेरी अपील पर लगाया था, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। परंतु इसके अंदर हाइपो केमिकल गिरने कारण जो इसके अंदर से जाता है उसके कपड़े खराब होते हैं, उसे बदबू आती है। इसके लिए लाइजन की बात की थी, तो लाइजोल तो सीएमएच वो इंचार्ज साहब गए हैं, सीएमएचओ साहब से मैंने कहा है। फिर भी यदि सरकार कहीं इस बात से डर है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो विधायक कोटे के पैसे जितनी जरूरत पड़ेगी लाइजोल भैया हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी हम देने के लिए तैयार हैं। हम जनता की सेवा में तत्पर है और मैं बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ, यदि हम तो प्रतिपक्ष में हैं, यदि आप हमारे से उम्मीद करते हो, हमारे कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, पर कमी है तो आपके दिल में कमी है। आप अपने मुख्यमंत्री मोदी से बात करिए और जो समस्या है, जो सामान की कमी है, वो मंगाइए ताकि लोगों को लाभ मिल सके।